कोहली को भारी नुकसान, इस नए खिलाड़ी ने मारी एंट्री, बदल डाली किंग की रैंकिंग। टॉप पर बाबर आजम, स्काई का भी जलवा कायम, सूर्य कुमार नंबर वन की कुर्सी पर बरकरार। रैंकिंग में पाकिस्तान का दबदबा, टॉप चार में से तीन पर ग्रीन आर्मी के धुरंधरों का कब्जा। गेंदबाजी में सिराज ने बचाई लाज, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में नहीं है ब्लू आर्मी का एक भी खिलाड़ी। आईसीसी की नई रैंकिंग में इस बार काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। रैंकिंग में खास बात यह है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को भारी नुकसान हुआ है। एक नए खिलाड़ी की इस बार की रैंकिंग में एंट्री हो गई है। हालांकि नंबर एक और टॉप पांच में कोई खास बदलाव देखने के लिए नहीं मिला। बड़ी बात यह भी है कि T20 की रैंकिंग में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का जलवा बरकरार है और वो भी अच्छी लीड के साथ नंबर एक की कुर्सी पर काबिज है। आपको बता दें आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग क्या कहती है। इसके मुताबिक नंबर एक की कुर्सी पर अभी भी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कायम है। उनकी रेटिंग अब 886 हो गई है। 777 की रेटिंग के साथ राशी वैन डेर दूसरे नंबर दो पर है। इनकी रेटिंग और रैंकिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद तीसरे नंबर पर फखर जमान है जिनकी रेटिंग 755 की है और 745 की रेटिंग के साथ इमाम उल हक नंबर चार पर है। टॉप चार में तीन खिलाड़ी पाकिस्तान के ही है। इसके बाद नंबर पांच पर टीम इंडिया के शुभमन गिल ने जब से कब्जा किया उन्हें यहां से हटाना मुश्किल हो गया है। शुभमन गिल की रेटिंग 738 की है। डेविड वार्नर नंबर छह पर है और उनकी रेटिंग 726 है। इस बीच आयरलैंड के खिलाड़ी हैरी ट्रैक्टर ने टॉप 10 में एंट्री करने में कामयाबी हासिल कर ली। वो 722 की रेटिंग के साथ सीधे नंबर सात पर पहुंच गए। इससे विराट कोहली को नुकसान हुआ। कोहली अब एक स्थान नीचे खिसक कर 719 की रेटिंग के साथ नंबर आठ पर आ गए। वहीं क्विंटन डिकॉक को भी एक स्थान का नुकसान हुआ है, वो नंबर नौ पर आ गए। रोहित शर्मा की जगह टॉप 10 में बरकरार है। ये बात और है कि वो 707 की रेटिंग के साथ नंबर 10 पर है। वहीं गेंदबाजों की बात करें तो आईसीसी की वनडे रेटिंग के मुताबिक जोश हेजलवुड अभी भी नंबर एक पर बने हुए हैं। उनकी रेटिंग 705 की है। 691 की रेटिंग के साथ टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नंबर दो पर कब्जा जमाए हुए। वहीं तीसरे स्थान पर मिशेल स्टार्क हैं, जिनकी रेटिंग 786 की है। मैट हेनरी 767 की रेटिंग के साथ नंबर चार और ट्रेंट बोल्ट 760 की रेटिंग के साथ नंबर पांच पर है। मोहम्मद सिराज के अलावा टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी टॉप 10 गेंदबाजों की लिस्ट में नहीं है। वनडे के टॉप ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो यहाँ शाकिब अल हसन का कब्जा है। वो 367 की रेटिंग के साथ नंबर एक पर है। मोहम्मद नबी 310 की रेटिंग के साथ नंबर दो पर है। राशिद खान की रेटिंग 280 है और वो नंबर तीन पर है। सिकंदर रजा चार और जीशान मकसूद नंबर पांच की कुर्सी पर जमे हुए हैं। इस लिस्ट में टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं है। वहीं कुछ दिनों पहले 11 मई 2023 को आईसीसी ने वनडे टीम रैंकिंग की सालाना अपडेट रिलीज कर दी, जिसके बाद टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि वनडे टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉप पर बनी हुई है। वहीं भारतीय टीम अब एक नुकसान के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गई है। पाकिस्तान टीम इस मामले में भारत से आगे है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में पांच मैचों के वनडे सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज की थी। चौथा वनडे मैच जीतकर पाकिस्तान टीम ने वनडे रैंकिंग में टॉप पर कब्जा किया था, लेकिन फिर पांचवा वनडे हारने के बाद पाकिस्तान टीम के सिर से वनडे रैंकिंग के नंबर एक टीम का ताज चला गया और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर चला गया था। इस कड़ी में हाल ही में आईसीसी ने सालाना रैंकिंग जारी की, जिसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वक्त नंबर एक पर कुल 118 अंक के साथ मौजूद है। कंगारू टीम को कुल 5 अंक का फायदा हुआ, वहीं भारतीय टीम को 1 अंक से नुकसान हुआ और टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई, जबकि पाकिस्तान टीम 116 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।